नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने शीर्षक में देखा, जिसको देख करके आप बड़े ही प्रसन्न होंगे कि हमने ड्रग पिक्चर की सीरीज की वापस से शुरुआत कर दी है। और इसी सीरीज में कुछ महीने पहले हम 10 ड्रग पिक्चर आप लोगों के लिए लेके आए थे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के। उन सबको देखने के लिए आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे ड्रग पिक्चर के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अंदर वो 10 ड्रग पिक्चर है, आप चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। और उसी श्रृंखला में इस महीने हम लगातार 8 से 9 ड्रग पिक्चर लेके आएंगे। और आज का ये जो ड्रग पिक्चर है, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन के बारे में है और वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी हो जाती है, खासकर कॉमन कफ एंड कोल्ड के लिए। और मेडिसिन का जो नाम है वो है एलियम सेपा। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो ड्रग पिक्चर है दैट इज डेडिकेटेड टू द एलियम सेपा। और इसको बहुत ही शॉर्ट और फीट तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एलियम सेपा क्या है, इसके साइंस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके चित्रगत लक्षण क्या है, इसके की नोट्स क्या है, और आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करना है एलियम सेपा का एक पेशेंट, जो कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए अब इस ड्रग पिक्चर को कंटिन्यू करने के लिए जल्दी से थर्ड पैड हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे मेरे पीछे कुछ स्लाइड्स होंगी जो मैंने बड़ी मेहनत से मेरी बुक का रेफरेंस लेकर के तैयार करी है, जो मैंने अपनी नोट्स बनाए थे, जो एक आज की तारीख में बुक के रूप में मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी है। ये सिर्फ उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज एलियम सेपा। तो चलिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं और हम दोनों आपको अच्छे से भली भांति दिख रहे होंगे। और ये जो है हमारा पहला स्लाइड है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो स्लाइड है ये बेसिकली मेरा बुक का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसको मैंने कुछ की नोट्स के अंदर डिवाइड करके आपके लिए तैयार करा है। तो पहला पॉइंट एलियम सेपा ड्रग पिक्चर का, इट कवर द मोर सिम्टम ऑफ द कॉमन कफ एंड कोल्ड देन एनी अदर रेमेडी। इस दुनिया की किसी भी रेमेडी से, मतलब अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है, मतलब इस मटेरिया मेडिका के अंदर, जो इतने ज्यादा कॉमन कफ एंड कोल्ड के सिम्टम्स को कवर करने वाली। ये केंट का कहना है, ये क्लार्क का कहना है और ये सभी पायनियर्स का कहना है। और आप लोग भी जानते हैं कि जब भी खांसी सर्दी जुकाम, खासकर कॉमन कफ एंड कोल्ड की बात होती है, तो जो पहली मेडिसिन हमारे दिमाग में आती है वो होती है एलियम सेपा। और एलियम सेपा का यहाँ पे एक प्रकार का डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से भी खांसी सर्दी से रिलेशनशिप है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एज द वेल नोन फैक्ट फ्रॉम द ऑनियन इन प्रोड्यूसिंग द टीयर वुड सजेस्ट। मतलब कहने का है कि जब भी हम प्याज काटते हैं, जब भी हम कांदा काटते हैं, तो हमको क्या होता है कि जब प्याज काटते हैं तो प्याज की जो उसकी मतलब पंजेंटनेस होती है, उस पंजेंटनेस के कारण हमारे साथ क्या होता है कि हमारे आंसू आने लगते हैं, हमारी नाक बहने लगती है। तो बेसिकली प्याज के अंदर ही, और ये कहीं ना कहीं ये क्या सबूत है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का सबूत है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर यही कहता है कि रॉ फॉर्म में कोई भी हमने सब्सटेंस लिया, उसके जो गुणधर्म है, जब वही गुणधर्म रिप्रेजेंटेशन उसका होता है उसके मेडिसिन बन जाने के बाद इन द मेडिसिनल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है कि गुणधर्म क्या है कि भैया प्याज काटते हैं तो लोगों के आंसू निकलने लगते हैं, नाक बहने लगती है, ठीक है। इन द सेम मैनर वही उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमको प्रदर्शित होता है जब उसको हम पोटेंटाइज्ड मेडिसिन के रूप में उसका हमने प्रूविंग करी, तो प्रूविंग में भी यही चीज साबित हुई। और इसलिए राइटर ये कह रहे हैं या ऑथर्स या पायनियर्स ये कह रहे हैं, इट कवर द मोर सिम्टम ऑफ कॉमन कफ एंड कोल्ड देन एनी अदर मेडिसिन, ठीक है। इट विल क्योर द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ केसेस ऑफ कॉमन कफ एंड कोल्ड, ठीक है। अब क्योंकि जो मेडिसिन है दैट इज अबाउट द कॉमन कफ एंड कोल्ड, क्योंकि यही इस मेडिसिन का सार है, ठीक है। हर एक मेडिसिन का क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है, क्लिनिकल स्फीयर होता है। इसका क्लिनिकल स्फीयर क्या है, इसके 90% सिम्टम्स विल रिवॉल्व अराउंड द कॉमन कफ एंड कोल्ड। इसलिए कहा जा रहा है कि इट विल क्योर द लार्ज प्रपोर्शन ऑफ केसेस ऑफ कॉमन कफ एंड कोल्ड। अगला पॉइंट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर कॉमन कफ एंड कोल्ड। इसको भी समझना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि देखिए हमको एक्चुअली मेडिसिन को पढ़ते वक्त उसके उन क्लिनिकल सेक्टर्स के ऊपर जोर देना पड़ता है जिस क्लिनिकल स्फीयर में उसका प्रैक्टिकली रोजमर्रा की प्रैक्टिस में यूज होता है। और एलियम सेपा का यूज हम कहां करते हैं, एलियम सेपा का हम यूज करते हैं कॉमन कफ एंड कोल्ड में। एंड दैट इज व्हाई यहां पे हम बार बार ये पॉइंट आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट वाकई में लिटरली इस मेडिसिन के की नोट है। तो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर
और कॉमन कफ एंड कोल्ड। तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट, तीसरा की नोट। और ये तीन की नोट के अंदर सिर्फ यही बात हो रही है, वो हो रही है कॉमन कफ एंड कोल्ड। चौथा की नोट, कॉमन कोल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारा, उसके अंदर जब पेशेंट को कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है तो एलियन सेपा के अंदर देयर इज द अफेक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन कौन से? विज इन द नोज, सबसे पहला नाक, सेकंड थ्रॉट मतलब गला, तीसरा लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब लैरिंग्स स्वर, हमारा स्वर यंत्र, और चौथा जो है दैट इज द ब्रोंकियल ट्यूब। तो मतलब कहने का है कि कॉमन कोल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी पार्ट होते हैं एक एलियन सेपा के कोल्ड के केस में, वो सब इफेक्टेड होते हैं, जो कि है नोज, दूसरा है थ्रॉट, तीसरा है लैरिंग्स, और चौथा है लंग्स या फिर ब्रोंकियल ट्यूब। तो कवर ऑल द stages of the cold as coryza, laryngitis and cough। मतलब जो कोल्ड होती है, कोल्ड की बेसिकली दो तीन स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज होती है कोराइजा, मतलब नाक बहने लगेगी, सुरसुराने लगेगा पेशेंट। एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट जो आप लोगों ने लाइव पे भी सुना होगा कई बार, लाइव पे अगर आप कमेंट रीड करते हैं कि कोई कौन क्या कमेंट कर रहा है, तो एक और एज अ डॉक्टर अगर आप लोगों ने अपने आपके क्लिनिक में जो केसेस आते होंगे वहां पे लोग बोलते हैं सर वो गले में खराश हो रही है। ये खराश का स्टेटमेंट बड़ा कॉमन रहता है सर्दी के आसपास, कि जस्ट सर्दी स्टार्ट होने वाली है तो पेशेंट क्या बोलता है, सर थोड़ी सी नाक बह रही, खराश हो रही है। खराश हो रही है मतलब नाक बह रही है, मतलब कोराइजा हो चुका है। और वो जो खराश बोल रहा है, वो खराश का मतलब है कि लैरिंग्स और जो थ्रॉट है वो लैरिंजाइटिस उसको हल्का सा होने वाला है। एंड दैट इज द मेन रीजन, जो सबसे कॉमन एलियम सेपा का एक लक्षण मैं आपको बताऊं, किसी को अगर सर्दी हुई होगी और आप उससे टेलीफोन पे बात करोगे तो आप तुरंत उसकी आवाज पहचान जाओगे कि क्या रे क्या हो गया तेरे को, सर्दी हो गई क्या? आप बोलते हो क्यों? क्योंकि जो वॉइस चेंज होता है कॉमन कफ एंड कोल्ड के दौरान, दैट इज द क्लासिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एलियम सेपा। और उसके अंदर कोराइजा के बाद हम जो सेकंड चीज देखते हैं वो होता है लैरिंजाइटिस। इसलिए यहाँ पे ये बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि कवर ऑल द स्टेजेस, कॉमन कफ एंड कोल्ड की सारी स्टेज कवर करती है। पहली तो कोराइजा, सबको पता नाक बहना, ये कवर करती है बहुत अच्छे से। लैरिंजाइटिस, ये लैरिंजाइटिस कैसे पता लग रहा है कि जो सर्दी में वॉइस चेंज होता है पेशेंट का, जो कि हम उससे अगर सामने से बात करें तो भी हम फील करते हैं। हमारे कोई फैमिली मेंबर सवेरे सो के उठे, उनकी आवाज चेंज लगी, तो हम क्या पूछते हैं, क्यों आपको सर्दी हो गई है क्या, आपकी आवाज चेंज लग रही है? तो ये लैरिंजाइटिस है, और कफ, ड्राई कफ। तो ये तीनों स्टेजेस को कवर करती है कॉमन कफ एंड कोल्ड को, जो कि कोराइजा है, लैरिंजाइटिस है, और कफ मतलब ड्राई कफ। ठीक है, पांचवा पॉइंट, जनरल एग्रेवेशन बाय वार्म्थ, वार्म रूम एंड वार्म वेदर। ठीक है, एक्सेप्ट, सिर्फ ये उसका जनरल एग्रेवेशन है, एलियन सेपा का जनरल एग्रेवेशन है, किस चीज से? गर्मी से। और ये लाइव पे भी कई बार बहुत कमेंट आते हैं, और ये आप लोगों के दिमाग में भी समस्या रहती होगी कि आपको ये अच्छे से पता है कि जब विंटर के अंदर खांसी वगैरह होती है ठंडे मौसम में, ठंडे सीजन में, तो उसके लिए यू नो एन नंबर ऑफ द मेडिसिन, आपको बखूबी पता है वो सारी की सारी दवाइयां। ठीक है, आपको सबको पता है कि जब विंटर के अंदर सर्दी होती है तो आपको पता है एकोनाइट देना है, आपको पता है आर्सेनिक एल्बम देना है, आपको पता डलका मारा देना, आपको पता है कलकेरिया कार देना। बट एक बहुत कॉमन सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि सर गर्मी के सीजन में अगर खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, अगर नाक बहने लगे, कोराइजा हो जाए, तो कौन सी मेडिसिन होगी? दैट इज द एलियम सेपा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इसका जनरल एग्रेवेशन है गर्मी से, वार्म्थ से है, वार्म रूम से है, वार्म वेदर से है। बट एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, वो ये है टिकलिंग इन द लैरिंग्स विच इज एग्रेवेटेड इन द कोल्ड एयर बाय कोल्ड एयर, बट जनरली इट एग्रेवेट बाय वार्म्थ। मतलब जनरल एग्रेवेशन गर्मी से है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन इकलौता ये है कि इसको जो टिकलिंग इन लैरिंग्स होगी, जो खांसी होगी, तो खांसी होती है, खांसी का इसका एक बहुत स्पेसिफिक टाइप की खांसी है, अपन आगे की स्लाइड में वो देखेंगे। मतलब जो एलियम सेपा की खांसी पता है कैसी होती है? उसको टिकलिंग इन थ्रॉट होता है। जब भी खांसी का तुम लोगों के पास पेशेंट आए तो तुमको एक सवाल करना है कि आपको खांसी उत्पन्न कहां से हो रही है, टिकलिंग आपको किधर से हो रही है। टिकलिंग क्या आपको लैरिंग्स या थ्रॉट से हो रही है तो मेडिसिन अलग होगी, उन मेडिसिन में टॉप मेडिसिन एलियम सेपा। और एक होगा टिकलिंग इन चेस्ट, कई बार चेस्ट या बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया पे टिकलिंग होती है, खांसी या छाती से उत्पन्न होती है, तो उसकी जो मेडिसिन है वो दूसरी है, जैसे कि स्पंजिया हो सकती है, फॉस्फोरस हो सकती है, ठीक है, र्यूमेक्स हो सकती है, ये अलग बात है, दोनों बातों में अलग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका जनरल एग्रेवेशन गर्मी से है, गर्म रूम से है, गर्म वार्म्थ वेदर से है, सिर्फ टिकलिंग इन लैरिंग्स मतलब खांसी के उत्पन्न होने वाली टिकलिंग जो कि कोल्ड में एग्रेवेट होती है, उसको छोड़ के ये सब कुछ इसका वार्म में एग्रेवेशन है। इसको गर्मी में कोराइजा हो जाएगा, भर गर्मी में नाक बहने लगेगी। कई बार हम मजाक भी उड़ाते हैं ऐसे आदमी का, अरे यार तुमको यार गर्मी में सर्दी हो रही, गर्मी में कौन को सर्दी होती है, गर्मी में कौन की नाक बहती है, एलियम सेपा की बहती है। ठीक है,
अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड पे है छठा पॉइंट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा चित्रगत लक्षण है एलियन सेपा का, ठीक है। अच्छा मैं पिछली स्लाइड में एक बार जा रहा हूँ, और अगर आपको कुछ इसके अंदर से मेरे जो मैं हूँ, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे को गायब कर रहा हूँ जिससे कि आप नीचे के जो पॉइंट है ना उनको प्रॉपरली आप लोग देख पाए और प्रॉपरली आप लोग समझ पाए, ठीक है। मैंने देखिए हटा दिया, मेरे सर के पीछे पढ़ लीजिएगा, है ना, मेरे सर के पीछे अब आप पढ़ लीजिएगा कि कॉमन कोल्ड इन द वेरियस पार्ट is इन नोज थ्रॉट लैरिंग्स एंड ब्रोंकियल ट्यूब कवर ऑल द स्टेजेस ऑफ द कोराइजा लैरिंजाइटिस एंड कफ। और जो मेरे सर के पीछे जो छुप रहा था वो था जनरल एग्रेवेशन बाय द वार्म्थ एंड वार्म रूम एंड वार्म वेदर एक्सेप्ट, मतलब सिर्फ किस चीज को छोड़ के, टिकलिंग इन द लैरिंग्स विच इज एग्रेवेटेड बाय द कोल्ड एयर बट जनरली द पेशेंट एग्रेवेट बाय द वार्म्थ, ठीक है ना। तो ये था इसका पार्ट जो आप लोग नहीं देख पा रहे थे, मैं अगली स्लाइड में भी जब वहां पे आऊंगा तो मैं उसको गायब कर दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। एक्रीड एंड एक्सकोरिएटिंग कोराइजा विद द ब्लेंड लैक्राइमेशन, और जो इसका अपोजिट होता है वो होता है यूफ्रेशिया, जिसका लैक्राइमेशन एक्रीड होता है और कोराइजा ब्लेंड होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्रगत लक्षण होता है एलियन सेपा का, मतलब इसकी जो नाक बहती है, और ये एलियन सेपा का ही इतना इंपॉर्टेंट लक्षण नहीं है एक्चुअली, ये जनरली हम कॉमन कोल्ड के 99.9% केसेस के अंदर हम इसको देखते हैं, और यही चीज इसको कॉमन कफ एंड कोल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन बना देती। वो क्या है कि जब भी हम सर्दी का एड देखते हैं तो नाक लाल दिखती है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं विक्स विक्स वगैरह का, डीकोल टोटल वगैरह इन दवाओं का टीवी के अंदर, तो नाक लाल दिखती है। हम जब भी कार्टून देखते हैं और कार्टून को सर्दी दिखाई होती है तो उसकी नाक लाल दिखती है, और यही चीज एलियन सेपा को बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाती है। क्यों? क्योंकि एलियन सेपा का जो कोराइजा होता है, जो नाक बहती है, वो एक्रीड होता है। एक्रीड मतलब वो जलन पैदा करने वाला होता है, वो एक्सकोरिएटिंग होता है, मतलब उसको नोज को जो है छीलने वाला होता है। तो यही चीज यहाँ पे कही जा रही है, आप लोग सब में से ज्यादातर लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं, बहुत कॉमन पॉइंट है कि एक्रीड एंड एक्सकोरिएटिंग कोराइजा, मतलब उसका कोराइजा जो होता है वो एक्रीड होता है, एक्सकोरिएटिंग होता है, वो इतना जलन पैदा करने वाला होता है कि दो दिन तक अगर ये नाक पहुंचेगा रुमाल से तो इसकी पूरी नाक छिल जाएगी, पूरी नाक लाल हो जाएगी, कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि जलन पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेजल डिस्चार्ज कोराइजा है वो एक्रीड है, एक्सकोरिएटिंग है, ठीक है, जलन पैदा करने वाला है, बट विथ ब्लेंड लैक्राइमेशन, इसको लैक्राइमेशन भी होता है। हम जानते हैं सर्दी के अंदर बहुत कॉमन होता है कि जब नाक बहनी चालू होती है तो आंखों से पानी भी निकलना चालू होता है, तो एलियन सेपा का जो लैक्राइमेशन होता है वो ब्लेंड होता है, वो बिल्कुल प्लेन होता है, पानी के जैसा होता है, बट इसका जो नेजल डिस्चार्ज जो कोराइजा होता है वो एक्रीड और एक्सकोरिएटिंग होता है, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट जो सिम्टम हम देखते हैं वो देखते हैं हम यूफ्रेशिया के अंदर, इसलिए यहाँ पे मैंने अपोजिट लिख दिया यूफ्रेशिया, जिसके अंदर हमको लैक्राइमेशन एक्रीड दिखता है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस वगैरह वगैरह बहुत सारी कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में एलियन सेपा जो उस कंडीशन में यूफ्रेशिया का जो लैक्राइमेशन होता है वो एक्रीड होता है, और उसका कोराइजा जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंड होता है, ठीक है। अब इसी पॉइंट से अगला कीनोट इसी पॉइंट से संबंधित है जो कि है रॉनेस। रॉनेस मतलब छिला हुआ महसूस होना, मतलब रॉनेस मतलब छिला हुआ महसूस होना। आपको एक बात पता होगी, सबको सर्दी हो रखी, सर्दी होती है तो गले में कैसा छिला छिला लगता है, खासकर इनिशियल के एक पहले दिन के अंदर, कई बार तो सर्दी में नाक बाद में बहना चालू होती है, हमको एक गले में एक रॉनेस लगने लगती है, हमको नाक में एक रॉनेस लगने लगती है, एक अंड्यूलेटिंग सेंसेशन, छिला छिला सा लगने लगता है, खराश जैसी लगने लगती है, वो रॉनेस जो है दैट इज द की नोट ऑफ एलियन सेपा, और ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की नोट होता है एलियन सेपा का। वेरी कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन थ्रू आउट द एलियन सेपा, ये एलियन सेपा के अंदर खासकर कॉमन कोल्ड एंड कफ के अंदर, रेस्पिरेटरी पूरे ट्रैक्ट के अंदर रॉनेस बहुत प्रोमिनेंट होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड। कहाँ कहाँ होती है रॉनेस? इन द नोज, वो तो पता ही है, एक्सकोरिएटिंग कोराइजा बार बार पहुंचेगा तो नाक छिल जाएगी, रॉनेस हो जाएगी। यही रॉनेस, यही जो डिस्चार्ज है अंदर की तरफ जब जाता है और बार बार लैरिंग्स के कॉन्टेक्ट में आता है तो देयर इज द रॉनेस इन द लैरिंग्स, देयर इज द रॉनेस इन द थ्रॉट। ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं सर्दी होने पे, ये वो चीज होती है थ्रॉट की और लैरिंग्स की रॉनेस, जिससे हम लोगों से बात नहीं कर पाते, हमको तकलीफ होती है, हम सो नहीं पाते। और लास्टली इट एक्सटेंड्स टू द चेस्ट, ये चेस्ट तक एक्सटेंड होती, तो रॉनेस
इलनेस इज द कीनोट ऑफ द इलियम सेपा, खासकर इन कॉमन कफ एंड कोल्ड। और ये हर जगह पाई जाती है, नोज में पाई जाती है, लैरिंग्स में, थ्रॉट में और चेस्ट में, चेस्ट तक चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला कीनोट है कि वॉयलेंट ड्राई कफ फ्रॉम द टिकलिंग इन लैरिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और इस फीचर के ऊपर हमारे पास गिनती की मेडिसिन है। सबसे टॉप में जो मेडिसिन होती है, जहां पे ड्राई कफ हो रहा है टिकलिंग इन थ्रॉट के कारण, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन का पॉइंट बता रहा हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में तुम्हारे पास खांसी का केस आएगा तो तुम्हारा पहला सवाल होगा, भाई खांसी कहाँ से उत्पन्न हो रही है? और उसके सिर्फ दो ही कैरेक्टर हो सकते, या तो पेशेंट बोलेगा सर मेरे को यहाँ पे स्वर कंठ में से, गले में से खांसी उत्पन्न होती है, गले में टिकलिंग होती है जिसके कारण खांसता हूं और मेरी खांसी ड्राई होती है, या तो फिर वो टिकलिंग चेस्ट में होगी। अगर चेस्ट में टिकलिंग होगी तो खांसी ड्राई और वेट दोनों हो सकती है, उसके बारे में किसी और मेडिसिन में बात करेंगे। बट यहाँ पे ये समझिए कि टॉप मेडिसिन है इलियम सेपा, व्हेनेवर देयर इज द कफ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द टिकलिंग इन लैरिंग्स। पेशेंट क्या बताएगा, सर यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है सूखा सूखा सा, ठीक है, वो टिकलिंग होती है बेसिक, और वो सूखा सूखा सेंसेशन बढ़ता है और एकदम से खांसी उत्पन्न होती है, ड्राई कफ होता है। ठीक है, और इसके कफ का एक बहुत खास कैरेक्टर भी है, वो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वायलेंट ड्राई कफ फ्रॉम टिकलिंग इन लैरिंग्स। ठीक है, अब जरा मैं अपना फेस को मैं यहाँ से मैं गायब कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग इसको पूरे पॉइंट को प्रॉपरली पढ़ पाए। ठीक है, मैंने ये गायब कर दिया, बहुत बढ़िया। वॉयलेंट ड्राई कफ फ्रॉम टिकलिंग इन लैरिंग्स विथ टीयरिंग पेन इन द लैरिंग्स सो दैट द पेशेंट होल्ड द थ्रॉट एंड लैरिंग्स विथ एवरी कफ विथ सेंसेशन एस इफ लैरिंग्स विल स्प्लिट और टॉर्न विथ इंटेंस पेन। कहने का मतलब ये है ना, एक बार और मैं आपको पढ़वा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, फिर मैं अपना फेस को ले आऊंगा। ठीक है, वॉयलेंट ड्राई कफ फ्रॉम टिकलिंग इन लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स के अंदर टिकलिंग से इसको सूखी खांसी पैदा होती है। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज होती है, एक प्रकार का जब भी खांसी का ठसका ये लेगा ना, जब भी ये खांसी का ठसका लेगा, इसको टीयरिंग पेन होगा इन द लैरिंग्स, कि जैसे ये खांसी का ठसका लेगा तो इसको गले के अंदर टीयरिंग पेन होगा, और उस टीयरिंग पेन के साथ ये खांसते वक्त लिटरली अपने गले को होल्ड करेगा, और उसको क्या सेंसेशन होगा एट दैट टाइम, कि ऐसा ना हो कि मेरा जो लैरिंग्स है और थ्रॉट है स्प्लिट हो जाए या टॉर्न हो जाए, और खांसने पे इंटेंस पेन होगा गले के अंदर। ये आपने, ये कंडीशन मेरे को पूरा विश्वास है बचपन से लेके आज तक आपने कभी ना कभी देखी होगी, पक्के में मिलती है कंडीशन, कि जब इलियम सेपा का पहले तो सर्दी होगी, नाक बहना चालू हुआ, उसके बाद गले में थोड़ी सी खराश पैदा हुई, और ये खराश और थोड़ा सा सर्दी बढ़ेगी तो तीसरे चौथे दिन हमको सूखी खांसी आनी चालू होती, और वो सूखी खांसी कई बार ड्राई कफ होता है। ड्राई कफ वो कैसा होगा, टिकलिंग इन लैरिंग्स, यहाँ से कंठ से खांसी पैदा होगी, यहाँ पे ड्राइनेस लगेगा, टिकलिंग लगेगी, और जब खांस रहे होंगे तो कई बार जो खांसी का ठसका होता है वो इतना तेज होता है कि हमको गले के अंदर टॉर्निंग पेन होता है, मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये खांसी के ठसके से कहीं मेरा लैरिंग्स ना फट जाए, मेरा लैरिंग्स टॉर्न ना हो जाए, और वो जो होता है दैट कफ इज एसोसिएटेड विद द इंटेंस पेन। तो दोस्तों, ये जो क्लासिकल कफ होता है एलियम सेपा का, और जिस तरह से 90% केस के अंदर सर्दी के अंदर जो मेडिसिन कॉमन कफ की, जो कॉमन कोल्ड की निकलती है, कॉमन कोराइजा की निकलती है, वो एलियम सेपा है, उसी तरह से दोस्तों कॉमन कफ एंड कोल्ड के अंदर 95% केसेस में जो ड्राई कफ आता है, वो ड्राई कफ भी एलियम सेपा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और एलियम केसा सेपा उस केस में 90% केस में काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही बात की, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ चुके हैं। अब आप आगे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 9th पॉइंट के अंदर एक कंपैरिजन करा है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट के अंदर देखा कि एलियम सेपा को खांसते वक्त थ्रॉट में पेन होता है, क्योंकि खांसी भी थ्रॉट से उत्पन्न हो रही है, और वो पेन कैसा होता है, वो ऐसा पेन होता है जैसे कि थ्रॉट स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। कई बार एक ठसके में हमको बहुत दर्द होता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा, टॉर्न हो जाएगा, ऐसा पेन होता है। अब यहाँ पे उसका कंपैरिजन ब्राइनिया से है, जो कि क्या है कि पिछले पॉइंट का हवाला देते हुए मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पेन इन द थ्रॉट वाइल कफिंग जो मेडिसिन आती है दैट इज द एलियम सेपा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ पेन इन चेस्ट वाइल कफिंग जो होगा वो ब्राइनिया होगा, ठीक है। जब भी खांसते वक्त गले में दर्द हो, ऐसा कि गला ना फट जाए, वो एलियम सेपा है। और जब सेम पेन खांसते वक्त चेस्ट के अंदर हो, यार ऐसी छाती ना फट जाए, तो जो मेडिसिन होगी दैट विल बी द ब्राइनिया एल्बर, ठीक है। अब आते हैं अपने 10वें कीनोट पे, सिंगर्स कोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सिंगर्स कोल्ड, क्योंकि जो सिंगर्स होते हैं जो गाना गाते हैं, उनका बेसिकली ओवर यूज ऑफ वॉइस की वजह से ENT, खासकर थ्रॉट, है ना,
थ्रॉट और ईएनटी का जो सिस्टम रहता है वो थोड़ा सा वर्नरेबल और ससेप्टेबल होता है कि उसको कोल्ड जल्दी पकड़ती है, क्योंकि वो ओवर यूज होता रहता है, उनका प्रोफेशन ही गाना गाना है, तो वो कहीं ना कहीं कंठ की वीकनेस होती है। तो ये जो चीज होती है उसको बोलते हैं सिंगर्स कोल्ड, और सिंगर्स कोल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है एलियम सेप का, बशर्ते कुछ कंडीशन है। पहली, एग्रेवेट इन द वार्म रूम एंड अम्यूलेट इन द ओपन एयर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि एक सिंगर है, सिंगर को सिंगर्स कोल्ड हो गया और उसको वार्म रूम में एग्रेवेशन हो रहा है और ओपन एयर में एम्यूलेशन है, देन द मेडिसिन इज द एलियम सेपा। ऑल्सो एक और, अब जहां पे हमने एक बात करी कि शुरू से हमने देखा कि यहाँ पे पूरा इसकी मॉडलिटी, जनरल मॉडलिटी क्या है, वार्म से एग्रेवेशन है, ठीक है, गर्मी से एग्रेवेशन है। गर्मी के सीजन के अंदर जब सर्दी होती है तो ये एक बड़ा पैराडॉक्स सी चीज होती है, और इसकी मेडिसिन तो एलियम सेपा है, क्योंकि एलियम सेपा का जनरल एग्रेवेशन वार्म्थ से। बट एक जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रेवेटिंग पॉइंट होता है, मॉडलिटी होती है एलियम सेपा की, वो है एग्रेवेशन इन डैम्प कोल्ड वेदर इज द अनादर कैरेक्टरिस्टिक की नोट ऑफ द एलियम सेपा, जो कि हम देखते हैं डकला मारा में, मतलब ढलका मारा में, और जो दूसरा हम देखते हैं थूजा में। तो डैम्प कोल्ड वेदर, डैम्प कोल्ड वेदर मतलब नमीदार ठंडा मौसम, जो खासकर हम बरसातों में देखते हैं, तो बरसात के अंदर डैम्प, हर चीज सीती हुई रहती है, हर चीज गीली रहती है, डैम्प कोल्ड बोलते हैं उसको, है ना। और उसका जिसका मेडिसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थूजा और डलका मारा है, उसका अपने दिमाग में तीसरा मेडिसिन सेट कर लीजिए, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रेवेटिंग मॉडलिटी ऑफ एलियम सेपा आफ्टर एग्रेवेशन फ्रॉम द वार्म्थ इज द एग्रेवेशन इन द डैम्प कोल्ड वेदर। ओके, और जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आपको कहीं कोई ना पढ़ा है ना लिखा दिखेगा, बट अगर आपकी कंडीशन, ये कंडीशन आपके सामने अपने कैरियर में आती है और आप ये मेडिसिन दे दोगे तो पेशेंट आपके चरण धो के पी लेगा, ये बात मान के रख। वो है थ्रेड लाइक न्यूरेल्जिक पेन। न्यूरेल्जिक पेन ऐसा होता है धागे जैसा, जैसे धागा होता है धागा, तो अगर कोई मेरे को एक धागे को गर्म करके अगर मेरे को यहाँ पे रखेगा यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे फील होगा ना कि यार, मैं आंख बंद करके बोलूंगा कि यार मेरे को एक धागा रखा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर मेरे को कुछ फील हो रहा है गरम गरम। एम्पुटेशन करके उसको काट के अलग करना पड़ता है, बहुत कॉमनली एक चीज होती है, एम्पुटेड पार्ट के एरिया में न्यूरेल्जिक पेन होता है और ज्यादातर थ्रेड लाइक होता है, द मेडिसिन इज द एलियम सेपा, ठीक है। आफ्टर नर्व इंजुरी या न्यूराइटिस, नर्व इंजुरी या न्यूराइटिस होने के बाद अगर न्यूरे एलर्जिक पेन हो रहा है एंड दैट इज द थ्रेड लाइक, तो द मेडिसिन इज द एलियम सेपा, ठीक है। इन द नटशेल, न्यूरेल्जिक पेन लाइक द लॉन्ग थ्रेड इंडिकेट्स द एलियम सेपा एज द प्राइमरी रेमेडी, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, और इस एलियम सेपा मेडिसिन के अंदर इन द नटशेल इतनी ही बातें हैं। इसके अलावा ऐसा बहुत कम सेक्टर है जहां पे आपको एलियम सेपा का यूज आने वाला है, और यही सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमको रोजमर्रा की प्रैक्टिस के अंदर, हमारे पास जो बहुत कॉमनली सीजन के अंदर केस आते हैं, दैट इज कॉमन कफ एंड कोल्ड। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस ड्रग पिक्चर को अच्छे से देखने के बाद आप भली भांति डिसीजन ले पाएंगे कि उन लोगों को कौन सी मेडिसिन देनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो में और इस हफ्ते में होने वाली 3 लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।